कमज़ोर नहीं है, शरीफ हैं, भले हैं, इंसानियत में विश्वास रखते हैं, महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हैं, इज्जत करना जानते हैं। देखिए, आज का ये विरोध प्रदर्शन जिला महेंद्रगढ़ के किसान भाइयों के द्वारा, खास तौर से मौजूदा हरियाणा की और भाजपा सरकार के बाजरा की खरीद न करने के विरोध में आज इकट्ठा हुआ है। किसान और सरकार को ये अल्टीमेटम दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 15 तारीख तक आप अपना फैसला बदलें और किसान का बाजरा जो MSP आपने डिक्लेयर की थी 2,250 रुपये, उसके ऊपर खरीदे। ये यहाँ की जनता चाहती है और यहाँ की फसल, किसान केवल खेती पर निर्भर है, इसी खेती से ही उनका गुजारा होता है, काम चलता है, खाते पीते हैं, उसी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते हैं। और अगर इस तरह किसान बर्बाद होता गया तो हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से पहले हमें शक था कि आने वाले समय के अंदर भी ये MSP खत्म हो जाएगी, और जिस तरह का माहौल है, जैसे सब्सिडी खत्म हो गई वैसे ही MSP खत्म हो जाएगी। मार्केट वैल्यू और जो समर्थन मूल्य है उसका डिफरेंस देने की भी बात की है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सरकार ने कहा है 52 योजना के तहत हम 600 रुपये देंगे, लेकिन आज मंडी के अंदर बाजरे की कोई हालत नहीं, कोई खरीदार नहीं है। 1,000 रुपये, 1,100 रुपये के आसपास मुश्किल से कोई देने वाला नहीं मिल पा रहे, तो अगर वो दोगे तो भी किसान को 500, 600, 700 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान है। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं सरकार और मुख्यमंत्री? ये सांकेतिक आपका विरोध प्रदर्शन है या इसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो और भी प्रदर्शन? नहीं, हमने इन लोगों से भी ये कहा है, सरकार को आज ये आगाह किया है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारे निर्णय को लागू करें, सरकार के MSP बाजरा खरीदें, और नहीं करते हैं तो हम आगे की रणनीति के ऊपर बैठ करके इस इलाके के लोग आगे फैसला करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। इस इलाके की सड़कों पर आना पड़ेगा शांतिपूर्वक तरीके से। DCM का भी दौरा है हाल ही में, क्या किसानों की मांग को लेकर के विरोध दर्ज करवाएंगे उनकी मौजूदगी में? सब इस बारे में हम सलाह करेंगे साथियों से, और अगर कोई साथी ऐसा कोई विचार बनेगा तो निश्चित रूप से हम उनको भी देंगे, लेकिन साथियों सलाह करने के बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। जिस तरह से जाट बेल्ट की अगर हम बात करें कि धान की खरीद नहीं होती, धरना दे देते हैं, मंत्रियों को घेर लेते हैं, अगले दिन खरीद शुरू हो जाती है, क्या यहाँ का किसान और नेता इतना कमज़ोर है कि वो विरोध भी नहीं कर पाया? कमज़ोर नहीं है, शरीफ है, भले हैं, इंसानियत में विश्वास रखते हैं, महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हैं, इज्जत करना जानते हैं। लेकिन आज हमने फिर कहा है कि इज्जत करना है तो इज्जत करवाना भी जानना चाहिए, सराफत का कमजोरी ना समझा जाए। मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था लठों वाला, आई वो बयान वापस लिया, क्या कहेंगे? देखिए, उस बयान की हमने मीटिंग के अंदर भी, मैंने और सभी तमाम साथियों ने कड़े शब्दों में निंदा की है कि किसी भी प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता, इससे आपको उनकी परिपक्वता नजर आती है कि कितने परिपक्व नेता है वो। क्या किसी मुखिया कहेगा लठ उठा लो, सिर फोड़ दो, जेल जाने की तैयारी कर लो, नेता बन जाओगे? ये कोई मैच्योर बातें नहीं, बुरी बात है, इसकी निंदा की गई है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए उनको। किसान एकता दो, हमें आवाज दो, हमें MSP पर बाजरे खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, MSP पर बाजरे की खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, किसान एकता जिंदाबाद, 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 कट्टरवादी मुर्दाबाद।